Hey guys, it's me Paulumi. Welcome back to my channel and thank you so much for joining. Friends, आज का वीडियो एक स्किन केयर वीडियो है और एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप लोग घर पे बैठे बहुत ही इजीली और घर के कुछ मिनिमल एवरीडे यूज होने वाला इंग्रेडिएंट्स के मदद से एक समर स्पेशल स्किन ब्राइटनिंग फेशियल कर सकते हैं. यस, इस फेशियल का 4 स्टेप होगा जिसमें क्लिंजिंग, स्क्रबिंग एंड मसाज एंड लास्ट में फेस पैक, ये 4 स्टेप है और चारों में ही हम लोग बहुत ही कम कुछ घर का इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं एंड आई एम श्योर ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही यूजफुल भी लगेगा. तो वीडियो पूरा देखिएगा एंड अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा सबके साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के और भी नए नए DIY वीडियोस बनाने वाली हूँ. सो वो सब का फायदा उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. तो चलिए अभी देख लेते हैं कैसे आप लोग ये फेशियल स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं. समर स्पेशल स्किन ब्राइटनिंग फेशियल करने के लिए हम लोगों को चाहिए 5 चीज़ें, जिसमें से सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट है क्यूकम्बर और खीरा. एक मीडियम साइज क्यूकम्बर ले लीजिए और उसको अच्छे से धो लीजिए ताकि उसके ऊपर का सारा डर्ट निकल जाए. फिर लेना है थोड़ा सा शुगर, आप चाहे तो सॉल्ट भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर. फिर मैंने लिया है यहाँ व्हाइट सैंडलवुड पाउडर. आपके पास अगर सैंडलवुड पाउडर नहीं है तो यू कैन टेक बेसन और ग्रैंड फ्लावर, जो कि आई एम श्योर के पास अवेलेबल होगा. फिर हम लोग लेंगे हनी एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट वुड बी रोज वाटर फॉर दोज हु आर हैविंग ऑयली और सेंसिटिव स्किन लाइक मी. और जिन लोगों का ड्राई टू नॉर्मल स्किन है वो लोग रॉ मिल्क यूज कर सकते हैं. अब सबसे पहले हम लोगों को क्यूकम्बर का जूस निकाल लेना है. उसके लिए मैंने इसको पिल ऑफ नहीं किया है बट आप चाहे तो इसको पिल ऑफ करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं. अब जूस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको एक ग्रेटर के मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे. ऐसे ग्रेट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने में लगेगा. अब उसके बाद हम लोग एक स्ट्रेनर लेके स्ट्रेनर के मदद से इसको अच्छे से स्ट्रेन करके सारा जूस निकाल लेंगे. अब यहाँ पे मैंने जूस निकाल लिया है क्यूकम्बर का और उसके साथ मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ क्यूकम्बर भी बचा के रखा है क्योंकि वो बाद में हम लोगों को काम में लगेगा. अब चलते हैं फेशियल की तरफ. फेशियल का सबसे पहला स्टेप है क्लिंजिंग. अब क्लिंजर बनाने के लिए हम लोग एक क्लीन बाउल में 1 टेबलस्पून ऑफ क्यूकम्बर जूस ले लेंगे और उसके साथ मिक्स करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर. ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है बट अगर आपका स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप उसमें रॉ मिल्क यूज करिए इंस्टेड ऑफ रोज वाटर. रॉ मिल्क मतलब जो कच्चा दूध होता है जिसको बॉयल नहीं किया हुआ होता है, डायरेक्टली उसको आप यूज करेंगे विद दिस क्यूकम्बर जूस. बिफोर वी स्टार्ट द फेशियल मेक श्योर आपके फेस में कोई भी मेकअप या मॉइस्चराइजर कुछ भी नहीं लगा हुआ हो. फिर हम लोग जो क्लिंजर बनाए हैं उसमें एक कॉटन बॉल या कॉटन पैड को सोक कर लेंगे एंड देन यू हैव टू रब इट ऑन योर फेस फॉर अराउंड 2 मिनट्स. दिस स्टेप विल रिमूव ऑल योर एक्सेस ऑयल, सीबम एंड दाग्स फ्रॉम योर स्किन. After doing the first step, next is scrubber. स्क्रबर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना शुगर ले लेंगे और उसके साथ मिक्स करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ क्यूकम्बर जूस. अब अगर आपके स्किन में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्ने और पिंपल का प्रॉब्लम हुआ हुआ है तब आप यूज़ करिए सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर क्योंकि उसका ग्रैनुअल्स थोड़ा छोटा होता है इसलिए वो स्किन में ज़्यादा हर्श नहीं होगा. अप्लाई द स्क्रब ऑन योर फेस एंड नेक और फिर इसको हल्के हाथों से रब करिए सर्कुलर मोशन में.
शुगर हमारे स्किन से डेड स्किन सेल्स को निकालने के साथ साथ स्किन को सॉफ्ट सपल बनाता है और स्किन में जो डार्क पैचेस एंड डलनेस आ जाता है उसको भी बहुत हद तक दूर करने में हेल्प करता है। साथ में क्यूकम्बर जूस इस गर्मी में हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है और साथ ही स्किन को टाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है। 2 मिनट्स तक आपको इस स्क्रब को मसाज करना है फेस में और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए एंड यू विल गेट एन इंस्टेंट ग्लो इमीडिएटली। दोनों स्टेप हो जाने के बाद अब बारी है मसाज करने की। मसाज जेल बनाने के लिए वी विल नीड 2 टेबलस्पून ऑफ क्यूकम्बर जूस एंड 1 टेबलस्पून ऑफ हनी इन इट। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपका होममेड स्किन ब्राइटनिंग मसाज जेल इज रेडी। अब इस मसाज जेल से आपको 7 से 10 मिनट के लिए फेस एंड नेक को मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। ये ओपन पोर्स को श्रिंक करने में बहुत हद तक हेल्प करता है और उसके साथ साथ ये स्किन से डार्कनेस, डलनेस, ब्लैक पैचेस, कोई भी मार्क्स और स्पॉट्स, सनटैन, ये सब कुछ रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये बेसिकली एक मैजिकल जेल है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और मसाज करने से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है जिसके लिए स्किन और ज़्यादा ग्लोइंग होती है। मसाज करते करते जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपको स्किन में गर्मी महसूस होगी एंड यू विल एक्सपीरियंस अ वंडरफुल ग्लो ऑन योर स्किन। आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ मसाजिंग अपने फेस को नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर लीजिए। अब बारी है फेस पैक बनाने की। तो हमारा स्किन ब्राइटनिंग एंड टाइटनिंग फेस पैक बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ व्हाइट सैंडलवुड पाउडर और ग्रैंड फ्लावर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको ले लीजिए। और उसमें हम लोग ऐड करेंगे क्यूकम्बर जूस और फिर उसके साथ जो पहले हम लोग ग्रेट किया हुआ क्यूकम्बर बचा के रखे थे उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे और फिर तीनों को मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लेंगे। अब इस पैक को पूरा फेस में आपको अच्छे से लगा लेना है। मैं यहाँ उंगली की मदद से लगा रही हूँ, आप चाहे तो कोई ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। ये फेस पैक आपके स्किन से एक्सट्रीम टैनिंग, डलनेस और एक्स्ट्रा ऑयल को दूर करके स्किन को इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है, क्रिस्टल क्लियर एंड स्पॉटलेस बनाता है और उसके साथ साथ स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट भी करता है, जो इस समर सीजन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको ऐसे ही 15 मिनट स्किन पे लगा के रख देना है और 15 मिनट बाद जब ये ड्राई हो जाए तो इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। दिस इज माई फाइनल स्किन आफ्टर डूइंग ऑल 4 स्टेप्स। और इसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हैं उसको अपने फेस में एंड नेक में अच्छे से लगा लीजिए एंड यू आर डन। ये फेशियल सब तरह के स्किन में एंड सब एज ग्रुप के स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली इन द समर सीजन। इसको आपको वीकली एक बार फॉलो करना है और पहले ही यूज़ में आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगी। ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये ट्राई करने के बाद कैसा फील हो रहा है और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बता सकते हैं कि इस तरह के आपको और भी कोई अलग DIYs देखना है या और भी किसी तरह के स्किन या हेयर प्रॉब्लम को लेके आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेगा और भी नए नए कंटेंट क्रिएट करने के लिए और भी नया नया वीडियोस बनाने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में एक छोटा सा बेल बटन है उसको भी हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी नया कोई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।